यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप देख सकें। मलिकाई किचन खास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है भटूरे की रेसिपी, और ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही फटाफट बनकर तैयार होने वाली रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लगा कर रखना होगा। तो भटूरे के आटे के लिए मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ। तो मैदा मैंने नाप के, जो मेजरमेंट का कप आता है या कटोरी, फिर जो भी आप एक चीज़ ले लीजिए उसी से मैं 3 कप भर के मैदा ले रही हूँ। और अब इस तरह से हाथों से बीच में थोड़ी सी जगह बना लीजिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। तो दही मैंने यहाँ पर टेबल स्पून जो होता है, बड़ा चम्मच होता है, उससे 3 चम्मच मैंने इसमें दही डाला है। और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, यानी कि छोटे खाने की चम्मच से। और 1 टीस्पून हमें इसमें डालना है बेकिंग पाउडर। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा, जो सोडा हम खाने के लिए यूज़ करते हैं उसे मीठा सोडा बोलते हैं, उसी को मैं इसमें 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। और 2 चम्मच इसमें हमें डालना है शक्कर। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून, यानी बड़े चम्मच से 3 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। और सभी को हाथों से अच्छे से मिला लें। हाथों से इस तरह से मसल कर आटे को पूरी तरह से इसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिला लीजिए। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को हम अच्छा सॉफ्ट आटा इसका गूंथ लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है, नहीं तो आटा बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, इसलिए एक साथ पानी नहीं डालें। इस तरह से हाथों से अच्छे से इसे मसल मसल कर सानें। जितने अच्छे से आटे को हम सानेंगे भटूरे हमारे उतने ही अच्छे फुले फुले बनेंगे। यहाँ पर मैंने भटूरे का आटा लगा लिया, लेकिन अभी इसे बहुत अच्छे से नहीं साना है, सिर्फ अच्छे से मिक्स करके इस तरह से रख दिया। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल, और तेल को अच्छे से चारों तरफ इस तरह से मिला दें। और फिर आटे को कवर करके लगभग 1/2 घंटे के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी, जिससे 1/2 घंटे में आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी 1/2 घंटे हो गए और आटे को हम चेक कर लेते हैं, तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से गल गया। तो अभी हमें इसे तुरंत ही नहीं बनाना, अभी हमें इसे हाथों से थोड़ा सा अच्छे से मसल मसल कर और सानना है। यदि आटा थोड़ा आपको गीला लगता है तो उसमें थोड़ा सा मैदा और मिलाकर उसे सान लीजिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाकर हम इसे अच्छे से मसलेंगे। इस तरह से हमें हाथों से इसे मसल मसल कर अच्छे से भटूरे के आटे को सानना है, जब तक कि ये पूरी तरह से सॉफ्ट और एकदम चिकना ना हो जाए। तो इसे इस तरह से पटक कर थोड़े से 2-4 बार इसे इस तरह से पटक लीजिए और इसे सान कर भटूरे का आटा तैयार कर लीजिए। तो अभी आप देख सकते हो कि भटूरे के लिए आटा लगभग तैयार है, और ये बहुत ज़्यादा गीला या फिर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, बस हमें उसी तरह से रखना है जिस तरह से हम रोटी का आटा सानते हैं। तो इससे मसल कर इस तरह से चिकना कर लीजिए, जिससे ये बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं रहे और एकदम चिकना स्मूथ आटा तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमारा भटूरे बनाने के लिए आटा रेडी है, और अभी हम बनाते हैं भटूरे। और अब आटे में से मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के पेड़े इस तरह से तोड़कर तैयार कर लिए, यानी कि भटूरे थोड़े से मोटे होते हैं और थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं, तो हमें थोड़े बड़े साइज़ के पेड़े इस तरह से तोड़कर तैयार कर लेना है। तो अब हम इसके बेलकर भटूरे बना लेते हैं। बनाने के लिए यहाँ पर चकले पर या फिर
किचन स्टैंड पर, थोड़ा सा मैदा या फिर गेहूं का आटा जो भी थोड़ा सा लगाकर इसे बेल लीजिए। इससे भटूरे नीचे चिपकेंगे नहीं। आप चाहे तो तेल लगाकर भी इसे बेल सकते हैं। मैं भटूरे को ओवल शेप में बना रही हूँ, आप इसे ओवल शेप या फिर राउंड शेप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए भटूरे को हमने बेल लिया, अभी से हम तलने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल को अच्छा तेज गरम कर लिया है और इस तरह से केयरफुली मैं इसमें भटूरे को डाल दूंगी। और अब झारे से हमें इस तरह से इसे प्रेस करना है जिससे कि भटूरा हमारा बहुत अच्छे से फूलेगा। बहुत ज़ोर से हमें इसे दबाकर प्रेस नहीं करना, हल्के हाथों से इसे हमें इस तरह से प्रेस करते रहना जिससे कि भटूरे हमारे अच्छे से फूले फूले बनेंगे। और ध्यान रखना है कि हमें गैस को एकदम धीमा नहीं रखना, मीडियम गैस पर हमें भटूरे को बनाना है और तेल अच्छा तेज गर्म होगा तब भी भटूरे हमारे एकदम से इस तरह से फूले हुए बनेंगे। यदि धीमी गैस रहेगी और तेल गर्म नहीं होगा तो भटूरे इतने अच्छे से फूलेंगे नहीं। तो अभी आप देख सकते हो कि भटूरे हमारे एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया और इस तरह से हमें गोल्डन ब्राउन भटूरे बनाना है। बहुत ज़्यादा जले हुए या फिर बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं बनाना है। तो ये देखिए भटूरा हमारा अच्छे से सिक गया है। तो इसे अभी मैंने पेपर नेपकिन पर निकाला जिससे इसका सारा तेल पेपर नेपकिन पर आ जाए। और अभी मैंने दूसरा भटूरा भी डाल दिया। यहाँ पर मैं पूरे आटे के भटूरे नहीं निकालूंगी, मैं आपको तीन भटूरे यहाँ पर निकाल कर दिखा रही हूँ, बाकी के बचे हुए आटे के भटूरे हम बाद में निकालेंगे। तो ये देखिए ये भी भटूरा हमारा तैयार हो गया और इसी तरह से मैं बचे हुए आटे के भटूरे भी निकाल कर रख लूँगी। और ये देखिए हमारे सभी भटूरे बहुत अच्छे से फूले हैं। तो इसी तरह से हमें फूले हुए भटूरे बनाना है। तो ये लीजिए हमारे गरम गरम और फूले फूले भटूरे एकदम बनके तैयार है। और जितना आटा मैंने लिया था उसमें कुल 9 भटूरे बनकर तैयार हुए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बने। तो मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट और ये बहुत ही टेस्टी भी बने। तो इसको खाने के लिए मैंने बनाया इसके साथ छोले। और यदि आप चाहते हैं कि मैं छोले की रेसिपी भी डालूँ तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए रेसिपी ज़रूर डालूँगी। तो आप भी इसी तरह से भटूरे घर में बनाइए और मुझे बताइए कि आपके भटूरे कैसे बने। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। तो फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।